जी डैड कैसे हैं आप? मैम फाइन, हो गई बैठूं मैं? नहीं, उस पर लिखा है कि नहीं बैठा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। पूछ लो, बैठ जाओ। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अच्छा है। गुड गुड गुड। और वो आपके बिजनेस पार्टनर अरोड़ा साहब कैसे हैं? अच्छा, आप पापा को पता है आपने एक बार मुझे अरोड़ा साहब की डॉटर के बारे में बता रहे थे कि शादी के बारे में कुछ ना बता क्या रहे थे? उसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। हाँ, लेकिन लेकिन शादी तो पापा, वो तो मेरा डिसीजन है ना, आप थोड़ा। हु आर यू टू डिसाइड? हु आर यू टू डिसाइड? पापा मेरी लाइफ है, मेरी तुम्हारी लाइफ है। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी लाइफ थी, तुम अपने हिसाब से जी रहे थे। जब मैं तुम्हें पहली बार उठा के स्कूल लेके गया, तुम अपने हिसाब से जी रहे थे, हैं? जब मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ा लिखा के कॉलेज में लेकर गया, तुम अपने हिसाब से चल रहे थे। पापा वो कौन डिसाइड कर रहा था? तुम बचपन, अब तुम बहुत बूढ़े हो गए, वो कौन डिसाइड कर रहा था? पहले ये बताओ, तुम्हारी सारी जिंदगी के बारे में किसने डिसाइड किया, कब किया, क्यों किया? पापा वो टाइम आपका, वो आपका वर्क था, वो आपका, वो मेरा वर्क था, वो कर्तव्य था। अभी आगे भी मेरा कर्तव्य है तुमको अच्छी फैमिली में अच्छी लड़की दिलाना, अच्छी, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है और जिनके साथ रिश्ता करके हमारी ज़िंदगी सुखी हो सकती है, वहाँ पे तुम्हारा काम करवाना वो भी ज़रूरी है। पापा आपको नहीं लगता कि अब किसी आदमी से उसकी पसंद जाना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर मुझे कभी आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए, जब मैं किसी को पसंद करता हूँ, मेरी लाइफ की डिसीजन आप कैसे ले सकते हो पापा? आप कैसे बोल रहे हो? मैं ही ले सकता हूँ और कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी लाइफ गलत है, क्या गलत है ये? आपको आपको पता है, आप ये पूरी मेरी लाइफ की डिसीजन है। आप ये, आप ऐसे मजाक में नहीं कर सकते हो कि आप बोल रहे हो कि मेरे बिजनेस पर। तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए थे तो वो भी तुम्हारी पूरी लाइफ की डिसीजन थी। पापा मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। क्यों कर रहा हूँ पापा? आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ना, और आप अपने बिजनेस के जस्ट बिकॉज़। नहीं, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा। किसने बोला कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा? पापा मुझे पता है अरोड़ा साहब मार्केट में अभी बहुत ही अप हैं, और आप उनसे, आप उनसे रिलेशन में इसलिए आना चाहते हैं ताकि आपका बिजनेस। तुझे लगता है कि अरोड़ा अपनी बेटी की शादी उस आदमी के बेटे के साथ करेगा जिसकी, जिसका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा? डू यू थिंक दैट? क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। बहुत दिनों से बताना चाह रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ, अभी मैंने कॉलेज फिनिश किया तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम टू टेल यू, एंड आई गॉट माई जॉब एंड आई विल बी हैंडलिंग द बिजनेस ऑल्सो। सो जॉब करोगे और बिजनेस कैसे हैंडल करोगे? बिजनेस में तो हमारे टूरिंग भी करनी पड़ती है, तो बिजनेस अपना जॉब कैसे करोगे? पापा मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से आप नहीं संभाल पा रहे हो। आप मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? शादी तो तेरा बाप संभाल रहा था इतने सालों से। पापा आप गलत समझ रहे हो मेरी बात। आप एक बार सोचो, आप अगर आपका, आपकी कोई लड़की है, आप अपनी अपनी यंग एज को सोचो, अगर आप, आपको किसी से जो आपको पसंद ही नहीं है लाइफ में कुछ, आपको वो करने का होता क्या? पसंद तो एक दिन में हो जाती है आदमी की, एक दिन में पसंद हो जाती है, बात समझे हो कि नहीं? जब शादी हो के बहू घर में आती है तो उसके साथ में एक दिन में प्यार हो जाता है, तो उसी टाइम पे प्यार हो जाता है। मेरी जिंदगी का आपको मेरी पसंद ना पसंद, मैं क्या करूंगा? क्यों, तो उसी लड़की में क्या खराबी है वो बताओ मुझे। मेरी पसंद का आप डिसाइड करोगे, मतलब आपकी, आप मैं ही, मेरे बाप ने मेरी पसंद के लिए डिसाइड किया था तुम्हारी माँ के साथ शादी करवा के। वो भी अच्छी खानदान की थी, हम भी अच्छे खानदान के थे, उन्होंने हमारा रिश्ता करवाया और हम लोगों ने शादी की अपने माँ बाप के कहने पे। जनरेशन कुछ और थी, मेरी जनरेशन कुछ और है, आप समझ क्यों नहीं रहे? उस जनरेशन को सींग लगे हुए थे उस जनरेशन को, और तुम्हारे सींग हट गए। पापा देखो, मैं क्या, मैंने आपको बताया नहीं था, वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ बहुत ही अच्छे घर से है। तो तू लेट हो गया ना, और वो बहुत, तू बताने में लेट हो गया। तू, मैं तो सारा तुम्हारा सारा शादी फिक्स करके मैं बैठा हुआ हूँ और तुम अभी आके मुझे बता रहे हो कि तुम्हारी, तुम्हारे कहीं और पे हिसाब किताब है। मैंने तुम्हें मना किया प्यार करने से, तुमने 3 साल से प्यार किया ना उसको, बस हो गया, बात खत्म हो गई। पापा मुझे आप ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी
जिंदगी बिताने को बोल रहे हो जिससे मैं कभी मिला नहीं हूँ और जिससे तेरे को दिखवा दूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप अपने सेंसेस में हो पापा? मैं आई एम सॉरी टू छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन पापा आप समझो थोड़ा सा। पापा मैं समझ रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। क्या नहीं समझ? आप मेरी लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकते हो? मैं ले सकता हूँ, और कौन ले सकता है? सिर्फ मैं ले सकता हूँ तुम्हारी लाइफ का डिसीजन, और कोई नहीं ले सकता। पापा आपका अब ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, दैट्स इट, इट्स फिनिश्ड। पापा आप अपने बिजनेस का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहे हो और कुछ नहीं। मुझे मैं अपने बिजनेस का फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ बना रहा हूँ, समझ गया? मेरी लाइफ पापा आप कैसे बना सकते हो? पापा मैं बनाऊंगा ना खुद अपनी लाइफ। तू कैसे बनाएगा? तेरे पास है क्या जो अपनी लाइफ बना लेगा? तू कितने की नौकरी कर लेगा? पापा आपका जो तू पहले ये बता, तू कितने की नौकरी कर लेगा वो बता। कब कब जिंदगी में तू मकान खरीदेगा? कब तुम लड़की को अपने मकान में रखेगा? पापा आप ये मत बोलो, दादाजी ने मुझे ये भी बताया था कि ये बिजनेस आपका स्टेबल किया हुआ नहीं है। किसका है? उन्होंने किया था ये बिजनेस और आपने और आई एम दी ओनर ऑफ दिस बिजनेस एंड दिस इज माई सेल्फ अर्न्ड मनी। पापा ये आपका प्राउड बोल रहा है पापा, पता है? मेरा प्राइड है और मैं बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिसके साथ। कैसी बातें कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप मेरी जिंदगी का डिसीजन कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकता, और कोई नहीं ले सकता। बताया तो है तेरे को, बताया मैंने तेरे को। पापा ऐसा नहीं होगा, मैं उससे शादी लाइफ क्या मैं उससे शादी नहीं करता। आई कांट डू दिस, आई एम सॉरी टू से बट आई कांट डू दिस। हाउ कुड यू टेक द डिसीजन ऑफ माय लाइफ पापा? आई एम टेलिंग यू प्लीज डोंट डू दिस। आप बिजनेस के लिए सिर्फ अपनी अपने बेटे को सिर्फ किसी ऐसी लड़की के पास शादी कर रहे हैं जो शादी, पापा आप शादी समझते हैं ना? आपने मम्मी से शादी किया, आप अभी खुश हैं। अच्छा तू बाप को बताएगा शादी क्या होती है? यानी तेरा दिमाग ठिकाने है? तू मुझे सिखाएगा शादी क्या होती है? गलत समझ रहे हैं। तुझे मैं बताता हूँ कि शादी क्या होती है। मैं बताता हूँ पापा, मेरी शादी होती है, मैं मैच्योर पर्सन हूँ और मुझे अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। तू किस चीज का रेस्योर्ड है? कोई चीज तुझे तो अभी इतना मालूम नहीं है कि तेरी नौकरी क्या भाव से लगेगी, तुम क्या भाव से बिकोगे, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम है। तुम्हारी पोजीशन क्या है तुम्हें वो भी नहीं मालूम है। अब तक जो बाप कमाई खा रहा था तू और ऐश कर रहा था, एक मिनट के अंदर तू अगर अपने पैर पर खड़ा होना चाहे तो तू सोच के देख तेरी क्या नौकरी लगेगी, कहाँ पर तू रहेगा, किस तरह से गुजर बसर करेगा, कब तू जिंदगी में गाड़ी खरीदेगा, कब तू जिंदगी में मकान खरीद पाएगा और कब तू अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी दे पाएगा। पापा आप बिजनेस के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने देखा है उस लड़की को? ऑफ कोर्स। उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? ट्विंकल। पता है आपको उसको कल किसके साथ घूम रही थी वो? मेरे कॉलेज में जो जो लड़के जिनको पता नहीं है कुछ, जो जिनको टीचर्स देखते हैं, आपको पता है मैं कॉलेज का टॉपर हूँ। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सामने उस लड़की के बारे में बतखोई नहीं करना, नहीं तो मैं तेरे दिमाग ठिकाने लगा दूंगा एक मिनट में। मैं पापा उसके बाद पता है आपको क्या होगा? अच्छा आपको उसके बाद पता है क्या होगा? क्या बात होगा? आपको पता है जिस चीज के लिए आप मेरी शादी कर रहे हो ना उसके साथ, आप बिजनेस के लिए कर रहे हो ना? बिजनेस क्या होता? पापा आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सिर्फ उसी के लिए मेरी शादी कर रहे हो उसके पास। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? उस लड़की को देखा आपने? क्या है उसमें? Of course, कुछ नहीं है उसमें। क्या नहीं है पापा? कुछ नहीं है उसमें। है वो सबसे खूबसूरत लड़की दुनिया में। क्यों नहीं समझ रहे हो पापा? तेरी शादी कुछ नहीं है इसी लड़की से होगी, वरना तू अपना रास्ता देख ले। यू कैन गो, तुमको जो करना कर लो जिंदगी में, लेकिन तेरी शादी उसी लड़की के साथ होगी। मेरे साथ अगर बदतमीजी से बात की, आप ऐसे नहीं कर सकते पापा। आपको पता है ना मैं आपको मैंने बताया नहीं, जस्ट बिकॉज आई लव यू पापा, आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, यू नो आई वर्क हार्ड। फिर तीन साल से क्यों सोए हुए थे? अगर तुम्हारे को तीन साल में तीन साल से किसी लड़की के साथ प्यार था तो व्हाई डिडंट यू टेल मी? पापा वो मेरी पढ़ाई का टाइम था और मैं पढ़ रहा था, आपको पता है। और साथ में इश्क भी लड़ा रहे थे, तुम बोलते रहे हो अपने आप। देखिए मेरी प्लेसमेंट कितनी अच्छी जगह पे हुई है। पर मुझे एक बात बताओ कि तीन, हाँ तो तीन साल से जिसके साथ तुम लगे हुए थे तो मुझे क्यों नहीं बताया फिर? मैंने तो तुम्हारी शादी जिसके साथ तय की वो कौन? अभी मैं उसके क्या मुँह दिखाऊँ अपने दोस्त को कि मैं ये मुंह दिखाऊं? कि मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जो मेरे दोस्तों के साथ नाइट क्लब में घूमते हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे? कौन नहीं समझ रहे आप? शट अप, डोंट टॉक अबाउट दैट गर्ल। मैं थप्पड़ मारूंगा उल्लू का पट्टा। जब तेरे को पता है, तेरे को पता है उसके बारे में कुछ भी? अभी तो तुम बोल रहे थे तुझे कुछ नहीं मालूम, और अभी तुम बोल रहे हो कि नाइट क्लब में घूम रही, मैं थप्पड़ मारूंगा
उसका नाम खराब करने की कोशिश की तो शट अप एंड गेट आउट, गेट आउट अभी। अच्छा नहीं, मेरे को उसके तो तुम्हारी शादी नहीं करानी है, तुमको जहाँ शादी करानी कराओ और जाके अपना रास्ता देख लो, जाओ यू गो। हाँ बिल्कुल यही है, यही है। अगर मेरी इज्जत तुमने नहीं रखी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू कैन गो, यू गो, यू कैन गो नाउ। आपको पता आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। आपको पता मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम? मुझे वो बता के जाओ, तुम मुझे धमकी दे के जाओ कि तुम क्या कर सकते हो, वो बताओ। पापा मैं अब एक मैच्योर पर्सन, मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या करनी है। मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, फिर तुम जाओ जो करना करो ना। आपको पता है आपका जो बिजनेस है ना सारा, मैं उससे ज्यादा अर्न करूंगा एक साल। जाओ अभी के अभी जाके अर्न कर लो और अपना अपनी जिंदगी बसा लो, जाओ। तुमको जिस तरह से अपनी जिंदगी चलानी है, मैं उससे शादी नहीं कर रहा, ये मेरा लास्ट है। किसके साथ शादी नहीं कर रहा? अरोड़ा साहब की बेटी के साथ मैं शादी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तू ना से? पापा प्लीज तुमको जो करना, मैंने बोल दिया तुम्हें, तुमको जिसके साथ शादी कर रहा हूँ मैं, किसी की खुश देखना चाहता हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं मुझे खुश करो ही नहीं अब तुम। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकता और ना मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। तुमको जो करना है, तुम अभी खुद मुख्तियार हो गए हो, तुम अपने आप पढ़ाई करना शुरू कर दी, अभी तुम्हें नौकरी भी मिल गई है, अब तुम अपनी जिंदगी का ख्याल अपने आप रख सकते हो। यू कैन गो नाउ। अगर मैंने नहीं की क्या शादी तो आप क्या करोगे? मैंने बोल दिया ना, मैंने अभी मैं कैंसिल कर दूंगा उसकी शादी, दैट्स इट। अब तुमको जो करना जाओ, अब मैं घर से भाग जाऊंगा और शादी कर लूंगा। बिल्कुल जाओ अभी के अभी, कह रहा हूं प्लीज अभी मत करो ना पापा। शट अप, तुम अभी के अभी जाओ ना, मैंने तुम्हें खुली छूट दे दी है कि तुम जाके अभी घर से भाग जाओ और उसके साथ शादी करो। पापा अगर मैं चाहता ना तो आपको बिना बताए उसको यहाँ घर में लाता, मम्मा तो से मैं आने नहीं देता। और मम्मा से, मम्मा मेरे को मना नहीं कर रही है। पापा आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप मेरे पे डाल रहे हो बिजनेस। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पापा मैं आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं। नहीं तो आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड। क्यों आप ठोक रहे हो मेरे पे? इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पापा उस कैरेक्टरलेस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। और अगर वो अरोड़ा साहब आपके पास आएंगे ना आज के बाद, तो मैं उन्हें एंट्री नहीं करने दूंगा अपने ऑफिस में भी। आपका बिजनेस हार में मैं नहीं बात करता आपसे। हु आर यू टू स्टॉप मी टू आस्क एनीबॉडी टू कम टू माय हाउस सन, एंड आई डोंट केयर, आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट यू। नाउ यू कैन गो, तुम जा सकते हो अभी, तुम अपना रास्ता अपने आप देख लो, जाओ। मैं अपने आप रोड़ा को बोल दूंगा कि उसकी लड़की के साथ और उसकी लड़की के बारे में कुछ बकवास करने की कोशिश की। पापा मैं जिंदगी भर खुश नहीं रह पाऊंगा। जहाँ मैंने बोला तुम जिसके साथ खुश रह सकते हो उसके साथ शादी करो, जाओ, चले जाओ, चले जाओ अभी के अभी, जाओ, दैट्स इट। आपको पैसा हो गई बात? नहीं मेरे को किसी चीज से प्यार नहीं, मैं मुझे किसी चीज तुम्हें बोल दिया, तुम अपने देख रहे हो, बात खत्म हो चुकी है। तुम अपनी नहीं, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास नहीं आओ, चले जाओ यहाँ से। पैसा, पैसा प्यारा या बेटा प्यारा है? पापा क्या कर रहे हो? नहीं है ना पैसा प्यारा ना बेटा प्यारा, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, वो मैं मेरे पास नहीं आना। अब तुम पापा तुम चले जाओ, मैंने बोल दिया नहीं, अब तुम जाओ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, जिसके साथ शादी करनी है उसके साथ, आपको पता और जहाँ रहना जाओ। हैं सुसाइड कर लूंगा अगर मेरी शादी नहीं हुई तो, मैं सुसाइड कर लूंगा। किसके साथ शादी नहीं हुई तो सुसाइड कर लेंगे? ट्विंकल के साथ अगर शादी, मैंने तो बोला ना तू ट्विंकल के साथ जाके शादी कर, मैंने कब कहा? एक बार आप उससे मिलो तो सही। मुझे क्या जरूरत है, तुम्हें अच्छी लगती है ना? पापा आपने कभी अरोड़ा साहब की बेटी से बात किया? मैं फॉरगेट अबाउट अभी बात किया पापा आपने? पापा आपने बात ही नहीं किया। मैंने आपको बोला ना वो मेरे कॉलेज के लड़कों के साथ नाइट क्लब्स में घूमती है। प्लीज शट अप एंड यू विल नॉट स्पीक अबाउट ट्विंकल एनीमोर। किसी लड़की के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ पापा? प्लीज समझो आप पापा, मेरे से परे हो जाओ पापा। मैं आपके हाथ जो पैर जोड़ रहा हूँ पापा, ऐसे मत करो पापा। तुमको यू वांट टू कमिट सुसाइड पापा? यू वांट टू कमिट सुसाइड? You go and commit suicide. But अभी यहाँ से जाओ। Papa, I want to live my life. You go and live your life. I told you. You go and live your life. But don't speak. Happy also. I'm very happy. I am happy with without anything. You are compelling me to. No, I'm not. I told you. Go and get married to Twinkle. That's it. Finish. इसके बाद मेरे साथ कोई बात नहीं करना। So will you talk to me after that? No. You don't come to my house after that. That's it. You go. Get out. Papa, I'm telling you, don't do this, Papa. Please. Please, Papa. I will do hard work. I will do... I won't do my job. I won't do my job, I'm telling you. And I will just carry forward your business. And I'm making you sure that I will... मैं बिजनेस को बहुत अच्छा कर दूंगा और आपको अरोड़ा साहब की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है पापा। पैसा प्यार नहीं होता पापा। पैसा, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो पापा।
आप एक बात सुन लो मेरी पापा, सॉरी टू से बट आई एम टेलिंग यू, मेरी बात सुन, अगर सुन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पापा क्या बात सुना रहे हो आप? पापा तब से आप मेरे पे एक ही बात बोले जा रहे हो, कभी आपने उस लड़की से मिला जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कभी आपने उससे मिला जिससे आप मेरी बात कर रहे हो? ना मैं उससे मिला हूँ, ना मैं उसे जानता हूँ, एक दस मिनट के लिए मैं बैठा नहीं हूँ उसके उससे मैं, पापा मैंने तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ उससे? मैंने बोला उसके साथ अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी। जिंदगी क्या सवाल है? पर मैंने बोल दिया मैं उसके बाद। अच्छा एक बात बताओ बाबा, आपने मेरी शादी कर दी ठीक है, कल को मैं उसके साथ रहने लग गया, आपको लगता है कि मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगा? जो लड़की मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने कुछ बोला अभी? मैंने कहा तुम्हारी लड़की तुम्हारी शादी ट्विंकल के साथ नहीं हो रही, प्लीज मैं आपके कैंसिल हो गई है। फिर अभी क्या बकवास करते जा रहा है? मैंने बोला उसके साथ कैंसिल है तुम्हारी शादी, दैट्स इट पापा, आई वांट टू सी यू हैप्पी, आई एम हैप्पी, आप खुश हो मेरी शादी से? तुम जिसके साथ करना चाहते हो जाओ करो पापा, प्लीज डोंट डू दिस पापा। क्या मैं क्या नहीं करूं? आप कर लो प्लीज, आप मान जाओ प्लीज, अब मैं आपको बता। तो मैं मान गया ना, मान तो गया हूं, तो आप मान गए कि मैं शादी कर रहा हूं? तुम उसके साथ जाके शादी कर लो, जाओ आप उसके बाद खुश रहोगे ना? मैं तो बहुत खुश, तुम खुश रहोगे तो जाओ खुश रहो, आप खुश तो होना पापा से। मैं बिल्कुल खुश हूँ, तो जब उसके साथ शादी करो तो पापा और खुश रहो ना। मैं क्या मैं काम नहीं कुछ कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो कर नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के साथ नहीं मिल सकता। तुम जाओ, मैंने बोला कि तुम उसके पेरेंट्स से मिलो, बिल्कुल भी नहीं। तुम पापा आप क्यों बोल रहे हो फिर आप कर लो शादी? तुम अगर आप मान ही नहीं रहे हो आप में, फिर भी आप अपने डिसीजन को लेके चल रहे हो। मैं तो बिल्कुल नहीं डिसीजन अपना ले रहा पापा, ये गलत है बहुत। आप कैसा कर सकते हो ऐसा? नाउ यू गेट आउट, नाउ यू गेट आउट फ्रॉम दिस इज माय होम पापा। नो इट इज नॉट, इट इज अर्नड बाय मी एंड दिस हाउस इज माइन पापा। आपको पता है अगर मैं चला गया ना, हाँ, सबसे ज्यादा जो दुखी बंदा होगा ना वो आप हो गया। मेरे को दुखी होने दे, आप मुझे दोबारा वापस बुलाओगे? नहीं बिल्कुल, लेकिन वो बहुत देर हो चुका होगा पापा, आप मानो मेरी बात को प्लीज। ये सब मत करो मुझे पापा, एक बार आप उसके पेरेंट्स से तो मिलो, कैसी है लड़की? उसके पास भी पैसे हैं, उसका भी बिजनेस है पापा, क्या हुआ अगर कम चल रहा है उसका बिजनेस, अगर वो थोड़ी सी कम रिच है? आप सिर्फ पैसे को देख रहे हो, आप पैसे की प्रायोरिटी दे रहे हो बस पापा, प्लीज आप ऐसा मत करो पापा, ऐसा मत करो। आप एक बार उसके पेरेंट्स से मिल लो, और अगर आपको आपको उस लड़की में एक भी कमी दिखी ना पापा, आपको 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 अगर आप उस जनरेशन से आ रहे हो, आपको अपनी बहू का भी तो ख्याल होना चाहिए कि कैसी आपको आपकी बहू कैसी होनी चाहिए। आपको पता है बहुत संस्कार है पापा उसमें, दैट्स वाई यू नो ना हाउ योर सन इज। आपको मेरे बारे में पता है ना पापा मैं कैसा हूँ? मैंने आपकी कभी आज तक कोई भी बात ठुकराई नहीं, कभी नहीं। आपने जो बोला वो किया, मुझे एक्टिंग करनी थी लेकिन आपने बोला एमबीए कर, मैंने एमबीए किया। उसके बाद भी मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाए, मेरे को जॉब प्लेसमेंट मिली, आपने मुझे मेरे को पैशन अपना फॉलो नहीं करने दिया, मुझे एक्टिंग नहीं करने दी, फिर भी मैंने किया। और अब मेरी लाइफ तो प्लीज जीने दो सही से, ऐसे मत करो बाबा प्लीज़ बाबा। आप एक बार उसके पेरेंट्स से मिल लो, अगर आपको उसमें कोई भी कमी दिखे ना तो आप मत करना ठीक है, पर आई एम श्योर पापा वो आपको बहुत पसंद आएगी पापा, प्लीज मान जाओ, थोड़ा सा स्माइल दे दो और पापा मिल लो उससे आप, प्लीज पापा, पापा प्लीज। और कुछ बोल, तुम्हारे पास कुछ और है बोलने के लिए? पापा सब कुछ तो बोल दिया, आप समझ नहीं रहे हो। सवाल क्या आता है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लो, बात खत्म हो गई, इसके बाद मैं क्या करूँ? और मैं क्या लिख के दूँ? जाओ बुक लेके आ, मैं लिख के दे पापा। आपको पता है मैं चला जाऊँगा, जा